भारत के 10 सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपून। आज की इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल्स की लिस्ट को देखेंगे। बताना चाहूंगा, गूगल की हर एक आर्टिकल्स और यूट्यूब की हर एक वीडियो में अलग अलग लिस्ट को दिखाया जा रहा है। मतलब कोई वाटरफॉल एक आर्टिकल या वीडियो में टॉप 1 में होगा तो दूसरे आर्टिकल में टॉप 2 में रहता है। सबका लिस्ट अलग अलग रहने के कारण लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई भी बिना रिसर्च किए वीडियो बना लेते हैं। हमने जो लिस्ट निकाले है बहुत आर्टिकल्स को पढ़ के एक दूसरे के साथ कंपेयर करके निकाले है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट के 10 नंबर में आता है बारकना फॉल्स, जो कि कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में आता है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 259 मीटर है, यानी 850 फीट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो कुछ वीडियो में जोग फॉल्स को देखा था नंबर 10 में। नहीं भाई, जोग फॉल्स की हाइट 253 मीटर यानी 830 फीट है, इसीलिए जोग फॉल्स को नंबर 10 पे शामिल नहीं किया गया है। नंबर 9 पे आता है थालायर फॉल्स, जो कि तमिलनाडु राज्य के थेनी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे रेड टेल फॉल्स भी कहा जाता है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 297 मीटर यानी 974 फीट। नंबर 8 पे आता है मीनमुट्टी फॉल्स, जो कि केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 300 मीटर यानी 984.252 फीट है। ये अपने आसपास के हरियाली और घने जंगलों से घिरा होने की वजह से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। नंबर 7 पे आता है किनरिम फॉल्स, जो मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 305 मीटर यानी 1001 फीट है, जिसे देखने के बाद आपका तन और मन दोनों तरोताजा हो जाएगा। अगर आप मेघालय गए हैं तो इस झरने को देखने का लुत्फ जरूर उठाएं। नंबर 6 पे आता है दूध सागर वाटरफॉल, जो गोवा राज्य और कर्नाटक राज्य के सीमा में स्थित है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 310 मीटर यानी 1017 फीट है। ये झरना बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखता है, इसीलिए इसको दूध सागर झरना कहा जाता है। वैसे कौन से मूवी में इस वाटरफॉल को दिखाया गया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 5 के लिस्ट में आता है नोह सिंगथियांग फॉल, इसे सेवन सिस्टर फॉल्स और माउसाई फॉल भी कहा जाता है। ये भी मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल्स जिले में आता है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 315 मीटर यानी 1033 फीट है। माउसाई गांव में स्थित होने के कारण इसे माउसाई फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये ऊंचाई से गिरता है तो 7 अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है, इसीलिए इसे सेवन सिस्टर फॉल्स भी कहा जाता है। नंबर 4 पे आता है नोह कालिकाई फॉल्स, ये भी मेघालय राज्य के चेरापुंजी एरिया में आता है। इसकी हाइट है 340 मीटर यानी 1115.49 फीट है। नोह कालिकाई वाटरफॉल देखने में बहुत आकर्षक है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। इस वाटरफॉल को मेघालय राज्य का गौरव भी कहा जाता है, और इसे भारत के सबसे खूबसूरत झरनों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। नंबर 3 पे आता है बरईपानी वाटरफॉल, जो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलीपाल राष्ट्र उद्यान में आता है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 399 मीटर यानी 1309 फीट है। ये झरना बुढ़ाबलंग नदी के स्रोत पर बना है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा होने के कारण ये देखने में और आकर्षक लगता है। नंबर 2 पे आता है कुंचिकल फॉल्स, जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में आता है। इसकी हाइट है 455 मीटर यानी 1493 फीट है। यदि यहाँ जाने का सोच रहे तो आप बरसात के मौसम में जाएं। बरसात के मौसम में इस झरने के आसपास कई और झरने भी बन जाती है, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। इस झरने की चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। नंबर 1 पे आता है भाजराई वाटरफॉल, जो महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में स्थित है। इसे भांबावली भाजराई झरना भी कहा जाता है। अगर बात करें इसकी हाइट की तो यह 560 मीटर यानी 1840 फीट है। ये तीन लेयर में गिरता है। इन तीन लेयर को जोड़ देंगे तो इसकी हाइट 1840 फीट यानी 560 मीटर, इसीलिए हमने इस झरने को टॉप 1 की लिस्ट में रखे है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो विकिपीडिया में देखा था इसकी हाइट कम है। अरे भाई, विकिपीडिया खुद दूसरों से हेल्प लेता है अपने आर्टिकल्स को लिखने में। बहुत आर्टिकल्स और वीडियो को कंपेयर करके इस लिस्ट को निकाला गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही टॉप 10 वीडियोस और नए नए जगह को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।